अब की बार अमेरिका के साउथ कैरोलिना में भारतीय कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अमेरिका के कैंसास में भारतीय इंजीनियर की हत्या का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि एक और भारतीय कारोबारी की हत्या की खबर आ गई। अमेरिका के साउथ कैरोलिना में भारतीय कारोबारी हर्ष पटेल को अज्ञात लोगों ने दुकान से घर लौटते वक्त गोली मार दी। हर्षित गुजरात के वडोदरा के रहने वाले थे। हमारा भारत सरकार के विदेश मंत्री सम्माननीय सुषमा स्वराज जी से निवेदन है कि वो इस हत्या के बारे में तपास करवाए और जो गुजरात के लोगों की नजदीक में ही 3-4 घटनाएं हो गई तो उनकी पूरी तरह से जांच हो। हर्षित पटेल पिछले 14 सालों से अमेरिका में रह रहे थे। हर्ष की हत्या अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के बाद हुई है जिसमें उन्होंने कहा था कि नस्ल भेद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लास्ट वीक शूटिंग इन कैंसस सिटी रिमाइंड अस दैट व्हाइल वी मे बी अ नेशन डिवाइडेड ऑन पॉलिसीज वी आर अ कंट्री दैट स्टैंड्स यूनाइटेड इन कंडेमिंग हेट एंड ईविल इन ऑल ऑफ इट्स वेरी अग्ली फॉर्म्स। 22 फरवरी को अमेरिका के कैंसास में हैदराबाद के इंजीनियर श्रीनिवास को अमेरिका नौसेना के पूर्व कर्मचारी ने गोली मार दी थी। फायरिंग के वक्त हमलावर चिल्ला रहा था, अमेरिका से भाग जाओ। अमेरिकी कांग्रेस में बोलते हुए ट्रंप ने इस घटना की कड़ी निंदा की थी। हालांकि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक साउथ कैरोलिना में लैंसेस्टर पुलिस घटना को नस्ल भेद नहीं मान रही है, लेकिन जिस तरह कुछ हफ्ते पहले कैंसास में भारतीय इंजीनियर श्रीनिवास की गोली मारकर हत्या की गई और देश छोड़ने के नारे लगाए गए, उससे हर्ष पटेल की हत्या के बाद एक बार फिर अमेरिका में भारतीयों की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं।